हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मूवी का जो टीज़र आया हुआ है, तो इसमें जो टाइटल एनिमेशन यूज़ किया गया है, इस टाइटल एनिमेशन को यदि आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम टीज़र को देख लेते हैं, देन इसके बाद में जो है हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टाइटल एनिमेशन जो हो रहा है, तो एरोप्लेन जैसे ही मूव कर रही है तो वैसे जो टेक्स्ट है वो बढ़ रहा है और रिवील हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप तो यहाँ पे टेक्स्ट रिवील हो रहा है एरोप्लेन से, साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्स्ट का जो साइज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे करीना का के जो है स्टार्टिंग का, वो यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, और खान का जो एन है इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो इस टाइप से पूरा एनिमेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज के ट्यूटोरियल में। तो चलिए आगे हम जो है आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेते हैं, देन इसके बाद में ये ट्यूटोरियल आपको कैसे क्रिएट करना है, सारी चीज़ें जो है ट्यूटोरियल के अंदर मैं जो है आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे, और आफ्टर इफेक्ट ओपन करने के बाद मैं सेम एनिमेशन मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं। तो 10 सेकंड की कंपोजिशन मैं 1920x1080p की जो कंपोजिशन है यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ 30 फ्रेम रेट के साथ में। अब यहाँ पे जो है मैं एक सॉलिड क्रिएट कर ले रहा हूँ, सॉलिड पे यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दूंगा, ग्रेडियंट रैम्प। तो यहाँ पे हमने ग्रेडियंट रैम्प अप्लाई कर दिया है। अब सिंपल इस पर मैं जो है कलर यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, तो एक रेड कलर में चूज़ कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो डार्क रेड कलर जो है यहाँ पे चूज़ कर लिया है, देन इसके बाद में इसमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो है बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। देन इसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट ऐड कर लीजिए। लाइक जैसे यहाँ पे हम सिंपल ऐड कर लेते हैं, तो करीना यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब सिंपल जो फॉन्ट है, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख रहे हो कि फॉन्ट जो है ये वाला जो फॉन्ट है, मतलब कॉर्नर्स जो है काफ़ी जो है नोकीले आपको देखने मिल रहे हैं। तो इस तरीके का जो फॉन्ट है मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि सेम फॉन्ट आपको कैसे यहाँ पे मिल जाएगा। तो फॉन्ट का जो नाम है यहाँ पे मैं आप नाम देख सकते हैं, तो फॉन्ट का नाम है लिमोन, ठीक है। तो लिमोन फॉन्ट फैमिली आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको सेम टाइप का फॉन्ट आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपको करना क्या है कि ये डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो साइज़ है मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। अब सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप जो इसकी साइज़ वगैरह है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये सिंपल मैं 100% कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये काफ़ी सही आपका जो यहाँ पे साइज़ है एज इट इज़ वैसे यहाँ पे दिख रही है। कलर जो है हम यहाँ पे वाइट चूज़ कर लेंगे, तो जो है सेम लुक आपको वैसे ही देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं करीना यहाँ पे आ गया, कपूर खान बस आपको लिखना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे सिंपल करना क्या है कि आपको डुप्लीकेट कर लेना है। तो सिंपल मैंने इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दी। अब सिंपल यहाँ पे आप कपूर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर दिया कि इसका साइज़ जो है छोटा कर देंगे हम। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो खान का जो है यहाँ पे कपूर का केस है यहाँ से लेकर के खान का यहाँ पे एक, करीना का एक है, थोड़ा सा बाहर खान यहाँ पे जा रहा है। तो सिंपल आपको करना क्या है कि सेम आपको जो साइज़ है इसका थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको समथिंग इतना, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देना है आपको। तो सिंपल हम इसकी जो साइज़ है समथिंग इतना कुछ साइज़ रखेंगे इसका, ये देखें। तो इस तरीके से इसकी साइज़ को एडजस्ट कर लेना है, और दोनों को आपको यहाँ पे सिंपल एडजस्ट कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे एनिमेशन देखोगे तो एनिमेशन इसका किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपने देखा कि ये एक एनिमेशन यहाँ से एक प्लेन जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, और ये पूरा रिवील करते हुए जा रहा है यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवील करते हुए जा रहा है, और यहाँ से प्लेन धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है, और यहाँ से ये रिवील हो गया, देन इसके बाद में फिर यहाँ से पूरा आ रहा है, और फिर इस तरीके से है, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से एनिमेशन जो है हमें क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमको एक प्लेन चाहिए। तो प्लेन हमने डाउनलोड की हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डाउनलोड सेक्शन पर, ये हमने प्लेन यहाँ पर डाउनलोड की हुई है। तो इस प्लेन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्लेन इंपोर्ट किया, तो इसका जो कलर है ब्लैक है, तो इसमें हम जो है फिल इफेक्ट डाल देंगे, तो जिससे इसका कलर जो है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसका कलर कर दिया वाइट, ठीक है। अब इस पर हमको डालना है ड्रॉप शैडो, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉप शैडो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब इसका जो डिस्टेंस है 10 कर देते हैं हम यहाँ पर, और इसका जो सॉफ्टनेस है वो हम बढ़ा देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको 50 कर दिया यहाँ पे सॉफ्टनेस जो है। अब ओपेसिटी अगर जितनी आपको रखनी है उतनी हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसका जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन जैसे, तो पहले तो करीना का रिवील के लिए हमको इसका जो डायरेक्शन चाहिए, तो 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा। तो ये देखें,
45 इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पे पहले तिरछा था ना, इस कारण से मैंने 45 किया। तो सिंपल हमको करना क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से इसको रिवील करना है। तो इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे हम पहले, यहाँ पे इसको हम लेफ्ट साइड कर देंगे और आगे जा करके सपोज जैसे 2 सेकंड का एनिमेशन करना है हमें, तो हमने इसको सिंपल आगे की साइड पर यहाँ पर ड्रैग कर दिया इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ड्रैग कर दिया। तो अब यहाँ पर इसको जो हम ईजीज कर देंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पे इजीज करने में थोड़ा सा स्पीड इसकी फास्ट कम ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम इसको सिंपल लीनियर रहने देंगे, तो ताकि एकदम स्मूथ एनिमेशन इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे एनिमेशन कर दिया है इसका। तो ये प्लेन जैसे एनिमेट हो रहा है, तो वैसे ही आपका जो टेक्स्ट है ये रिवील होना चाहिए। तो टेक्स्ट रिवील करने के लिए सिंपल आपको करना है कि यहाँ पे एक शेप क्रिएट करना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक शेप क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये देखो आप एक शेप क्रिएट किया हमने। अब इस शेप का जो स्ट्रोक है वो हम ऑफ कर देते हैं, फिल जो है हम इसका ऑन कर दे रहे हैं। अब सिंपल आपको करना क्या है कि जो करीना का जो टेक्स्ट है इसको ट्रैकमेट कर देना है इस शेप के साथ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको ट्रैकमेट कर दिया है। अब हमें करना क्या है कि सिंपल इसकी जो पोजीशन है वो आपको प्लेन के साथ में आपको मूव करा देनी है। ठीक है, तो हमने सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर पोजिशन पर यहाँ पर की लगा देनी है। तो सिंपल हमने, आप चाहो तो आप टेक्स्ट की पोजिशन या फिर आप सेप की पोजीशन, दोनों किसी को भी एनिमेट कर सकते हो। तो फिलहाल हम सेप को एनिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पोजीशन पे पी की लगा दी। अब यहाँ पे सिंपल हमने इसको जो है इस तरीके से पीछे कर दिया। ये देखो इस तरीके से हमने टेक्स्ट को पीछे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ये सेप जा रहा है, तो ये देखो आप। ठीक है, तो अब जैसे ये जा रहा है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसकी की यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमने की इधर कर दी इसके, तो अब देखो अब ये ऐसे स्टार्ट होगा। ये देखो, तो इस तरीके से यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक, अब ये जो की है यहाँ पे इधर आएगी। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। ये इस तरीके से पूरा करीना यहाँ पे रिवील हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे एनिमेट करना है आपको। तो अब जैसे ये प्लेन जा रहा है तो वैसे यहाँ पर ये पूरा नाम यहाँ पर रिवील हो गया। अब आपने देखा होगा कि एक दूसरा प्लेन है जो कि यहाँ से अब उसी टाइम जैसे ये प्लेन जा रहा है उसी के नीचे रहेगा और ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इसका डुप्लीकेट कर देंगे, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कर दिया इस प्लेन का हमने। अब सिंपल हमें करना क्या है कि इसकी पहले तो पोजीशन हम हटा देते हैं, तो पोजीशन की हमने हटा दी। उसका जो साइज़ है वो हमने छोटा कर दिया, तो साइज़ छोटा करने के बाद में इसको रोटेट कर देते हैं हम ऊपर की साइड पर। तो ये सिंपल हमने रोटेट कर दिया इसको ऊपर की साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर -45 डिग्री पर हमने इसको लिख दिया। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे, अब यहाँ से ये मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर दिया, यहाँ पे की लगा दी हमने। तो ये जैसे यहाँ से पोजीशन है तो यहाँ से दिखाई देने स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके नीचे रखेंगे हम इस लेयर को, तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया और इसको नीचे कर दिया इसके। अब यहाँ पे पोजीशन की लगा दी हमने। ठीक है, अब ये पोजीशन की लगा दी। अब ये जो धीरे धीरे जो है ऊपर जाता रहेगा, तो समथिंग हमने क्या कर दिया यहाँ पर 4 सेकेंड तक इसको ऊपर किया। ठीक है, तो ये हमने इसको ऊपर भेज दिया। अभी इसका जो एनिमेशन है पीछे का, तो वो हम दिखाएंगे अभी इसका एनिमेशन। ठीक है, तो ये देखो आप इस तरीके से एनिमेट हो रहा है ये। ठीक है, ये पूरा एनिमेट होते हुए ऊपर जाएगा। अब जो के का यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो यहाँ पे लेटर है के का, स्टार्टिंग का जो लाइन है, तो ये लाइन भी इसके साथ में बढ़ेगी। अभी हम उसका भी एनिमेशन करेंगे। ठीक है, बट अभी हम क्या है, रिवील पूरा जो टेक्स्ट रिवील है वो पूरा हम यहाँ पे पूरा एनिमेट कर रहे हैं। तो इस कारण से अभी जो हमने यहाँ पर कर दिया इसको। ठीक है, अब सेम अगेन फिर हमें जो है ये वाला जो प्लेन था इसका जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं हम। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया। पोजिशन जो है इसकी पोजिशन की हम हटा दे रहे हैं। अब इसका जो रोटेशन है यहाँ पे इसको रोटेट करके हम जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका जो रोटेट करके जस्ट अपोजिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है कि अब यहाँ पे इसके लिए, अब इसके लिए हमने थोड़ा सा इसको साइज़ जो है थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। तो समथिंग हमने इसकी साइज़ इतनी रख दी। ठीक है, अब कपूर खान के लिए भी यहाँ पर जो है, अब जैसे ये पूरा रिवील होगा देन इसके बाद में यहाँ से इसका एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो सिंपल हमने क्या करना, पोजीशन की लगा देनी है इसमें। ठीक है, और आगे जा कर के पहले तो इसको हम बाहर कर दें यहाँ से, ये बाहर कर दिया हमने। अब यहाँ से इसको एनिमेट करेंगे 4 सेकेंड तक। ठीक है, तो ये पूरा आगे तक जाएगा ये इस तरीके से। अब जैसे ये जाएगा तो पूरा रिवील होते जाएगा टेक्स्ट। जैसे ऊपर का टेक्स्ट रिवील हुआ वैसे सेम ये वाला टेक्स्ट भी रिवील होते चलेगा। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल आगे सेट कर देना इस तरीके से। ये देखो ये पूरा आगे कर दिया हमने। अब एक शेप यहाँ पे भी बनाएंगे हम सेम तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ये देखो शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब सिंपल हमें करना क्या है यहाँ पे कि इसका जो यहाँ पे एनिमेशन है सेम तरीके से इसको हमने करना क्या है कि पहले तो कपूर खान वाले टेक्स्ट को इससे ट्रैकमेट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पोजीशन की लगा दी। तो यहाँ पर ये अपन ने पोजीशन की लगा दी। ठीक है, अब ये पोजीशन की लगा दी हमने। अब ये यहाँ से
पहले तो बाहर जाएगा इस साइड पे, ठीक है, क्योंकि उस साइड से टेक्स्ट आ रहा है, तो इसलिए बाहर जाएगा। अब ये देखो आप कहाँ से आ रहा है प्लेन, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ये की लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये की यहाँ पे लग गई, अब इस तरीके से पूरा आगे जाते जाएगा, जाते जाएगा, अब यहाँ पे तो ये की आएगी कहाँ पे, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ, ठीक है, तो यहाँ तक पूरा रिवील होगा ये इस तरीके से पूरा, ये देखो आप, ठीक है, तो ये यहाँ पे सही जा रहा, सही जा रहा, ठीक है, तो ये देखो आप इस तरीके से पूरा एनिमेट होते हुए सही जा रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखो आप, ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा परफेक्ट एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा प्लेन से रिवील होते हुए जा रहा है पूरा टेक्स्ट, ये देखो पूरा रिवील होते हुए जा रहा है, जैसे प्लेन जा रहे तो वैसे वैसे रिवील होते हुए जा रहा है टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अब सेम चीज़ होगी, जैसे ये वाला प्लेन यहाँ पे ऊपर जा रहा है वैसे ये यहाँ पे नीचे जाएगा, तो अब सिंपल हमको करना क्या है, इसको डुप्लीकेट कर देना है, तो ये वाला जो प्लेन है तो उसको कंट्रोल डी कर दिया हमने, अब इसकी पोजिशन जो है हम यहाँ पर की हटा देंगे, अब इसको मूव करके यहाँ पर लाइक लेके आएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये इधर ले करके आ गए हम, अब इसको जो है जस्ट अपोजिट कर देंगे रोटेशन, है ना, तो ये देखो हमने जस्ट अपोजिट कर दिया यहाँ पे इसके, ठीक है, 135। अब इसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम यहाँ पे, है ना, तो ये साइज थोड़ा छोटा कर दिया हमने ये। अब इसको करना क्या है हमें, यहाँ पे ये पूरा एनिमेट होते हुए, जैसे कि ये है ना यहाँ पे ये, तो यहाँ पे कट लगेगा, अब इसकी जो पोजिशन है पोजिशन पे की लग जाएगी, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे यहाँ पे समथिंग ये, ठीक है, अब ये चीज़ जो है अब नीचे आते जाएगी पूरा, ये मैंने 5 सेकंड तक इसको जो है नीचे मूव कर देंगे यहाँ पे, ये देखो, सॉरी ये वाले कॉर्नर पे ना करके हमको ये कॉर्नर पे करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, इधर पे आ करके हमने इसको इधर कर देते हैं, पहले तो सबसे पहले तो चीज़ हमको इधर करनी है इसको, तो ये वाले इसको मूव करके हमने इधर कर दिया, ठीक है, इसका 170 कर देते हैं इसको, 1700, ठीक है, अब इधर आकर के भी वही कर देते हैं हम इसको 1700, ठीक है, तो ये यहाँ से जा रहा है, थोड़ा और लेफ्ट में कर देंगे इसको हम, वन सेवन वन फाइव कर देते हैं ना, एग्जैक्ट सीधा रहना चाहिए पूरा उसको, तो इसको भी 1715 कर देते हैं हम, ये देखो अब ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा इस तरीके से ये आगे जाते जाएगा, अब ये पूरा एनिमेट होते जाएगा, ठीक है, तो ये देखो आप इस तरीके से जो है हमारा एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे, ये देखो आप, है ना, ये जा रहा है। अब ये वाला जो एनिमेशन है इसको थोड़ा सा और स्लो करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा हमने एनिमेट कर दिया इसको। अब हमें करना क्या है कि ये जो लाइन है बढ़ती हुई जा रही थी यहाँ पे, जैसे के की लाइन बढ़ रही थी, यहाँ पे इसकी लाइन बढ़ रही है, तो इसको हमको पूरा यहाँ पे एनिमेट करना है, तो वो की चीज़ कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमको करना क्या है, सिंपल हम जाएंगे यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अब टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा शेप पे, ठीक है, तो टेक्स्ट को शेप पे कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमको करना क्या है कि यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को, और इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करेंगे, राइट माउस क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे क्रिएट पे और क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक शेप पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे एक शेप पे कन्वर्ट हो गया पूरा पूरा टेक्स्ट, ठीक है। अब सेम चीज़ करेंगे हम नीचे वाले टेक्स्ट के, ये जो ऊपर करीना जो है इस टेक्स्ट के साथ में, तो इस पर भी हमने क्या कर दिया, क्रिएट एंड सेव फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। अब सिंपल हमको करना क्या है कि अब जो ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट फाइल को हम डिलीट कर देंगे, ये देखो हमने टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर दिया, अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, अब हमें सिंपल करना क्या है कि ये जो ये वाला टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट को सीधे ट्रैकमेट करना है किससे, जिससे हमने किया हुआ था पहले, अब सेम चीज़ है हमारा, अब इसको भी हम टेक्स्ट ट्रैकमेट कर देंगे ऊपर वाले से, है ना, जो जैसे पहले था वैसे ही है सब सारी चीज़ें, बस टेक्स्ट की जगह क्या हो गया यहाँ पे शेप हो गया हमारा, ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम वैसे ही हैं,
सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, जैसे करीना का के का यहाँ पे साइज जो हमको इंक्रीज करना, तो सिंपल हमने एरो बटन पे क्लिक किया, कंटेंट पे जाएंगे हम, करीना का के है जो यहाँ पे सिंपल जाएंगे हम, तो यहाँ पे आप जाओगे के पे, तो के पे आपको आना है स्टार्टिंग पे। अब स्टार्टिंग पे आने के बाद में यहाँ पे पाथ पे की लगा देनी है, ठीक है। और आगे जा करके जैसे आप आगे जाओगे कितने देर तक का एनिमेशन आपको चाहिए वो आपको यहाँ तक करना है, जैसे सपोज यहाँ तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आने के बाद में पेन टूल से आपने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया इन दोनों पॉइंट को, तो ये दोनों पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको ऊपर के साइड पे आपको ले जाना है। तो यहाँ पे सिंपल जा करके आपने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अब आपका जो ये एनिमेशन है सिंपल क्या हो जाएगा कि यहाँ से मूव करके इधर ऊपर तक आ जाएगा। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ ऊपर जा रही है, बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने जो ट्रैक मैट करके रखा हुआ था इसको, तो ये चीज़ ऊपर दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज क्योंकि हमने एक सेप बना करके रखा हुआ था, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि जहाँ तक आपका जो ये जैसे ये ट्रैक ये पूरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जैसे ये आगे निकल जा रहा है, ये चीज़ देखो जैसे आगे जा रहा है, रिवील हो रहा हमारा, तो रिवील होने के बाद में आपको जैसे रिवील हो जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आपको कंट्रोल शिफ्ट डी से कर देना है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और इसको क्या कर देना है, आपको नो ट्रैक मैट कर देना है, ठीक है। जैसे आप नो ट्रैक मैट करेंगे तो आपका क्या होगा ये चीज़, अब ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये देखो आप आगे पूरा जो है सेप हमारा सही से चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे फिर ऊपर सेप जाएगा तो वैसे वैसे जो है यहाँ पे पूरा हमारा एनिमेशन सही हो जाएगा। तो आपको की बस नहीं लगानी यहाँ पे फर्स्ट वाली इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने की नहीं लगाई, और यहाँ पे इसका जो एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये देखो आप, अब कैसे एनिमेट हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, तो ये चीज़ देखो आप, है ना, उसके साथ पूरा एनिमेट होते हुए जाएगा यहाँ पे, है ना। कहाँ से दिखाना आपको एनिमेशन, तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से एनिमेशन आपको दिखाना है इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से चूज़ कर लिया कि यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगा इसका, तो ये देखो आप, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से स्प्लिट कर दिया था, अब ये चीज़ जा रही है, तो ये देखो प्लेन के साथ में जो के का साइज़ है वो बढ़ते हुए जा रहा है, सेम चीज़ हमें इसके साथ करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब सेम यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ प्लेन जैसे जा रही है तो ऊपर इसका साइज़ बढ़ते हुए चला जा रहा है। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे एंड के साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा, ये वाला शेप, तो हम सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अब कहाँ से हमको चाहिए इसका एनिमेशन, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। तो सिंपल आपको कहाँ से चाहिए एनिमेशन, यहाँ से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे प्लेन आगे चला जाता है, अब यहाँ के बाद से जो है अब ये जो शेप है, ठीक है, तो अब ये शेप क्या करेगा, यहाँ से बढ़ करके नीचे के साइड में बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये देखो, अब यहाँ से जैसे जाएगा तो यहाँ से ये टेक्स्ट जो शेप का साइज़ है, मतलब एन का जो शेप है, वो पूरा आगे बढ़ने लगेगा। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी कर दिया इसको, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी करने के बाद में हमने क्या किया कि इसका जो यहाँ पे जैसे कि अब आगे जा रहा है, ये देखो है ना, ये आगे यहाँ से जैसे आगे गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि यहाँ से ये चीज़ स्प्लिट हो जाएगी, मतलब इसमें जो है ट्रैक मैट नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपल इसको नो ट्रैक मैट कर देंगे सबसे पहले तो हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाला जो शेप है ये आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो प्लेन का जो ये वाला प्लेन है, इसका थोड़ा सा एनिमेशन हम क्या कर देंगे, डिले कर देंगे। तो ये देखो थोड़ा सा डिले कर दिया हमने, समथिंग यहाँ पे कर दिया इसको, ठीक है। अब ये वाला जो शेप है ये बढ़ाने के लिए हमको करना क्या है कि सिंपल हमने पेन टूल ले लिया। अब पेन टूल लेने के बाद में हमको करना क्या है कि ये दोनों पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कहाँ तक इसको बढ़ाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके इस पर सिंपल हमको जो एन है ना, लास्ट वाला जो एन है, इसको हमने सिलेक्ट किया। अब इसके पाथ पे हमको की लगा देनी, ये की लगा दी हमने। अब यहाँ तक एनिमेट करना, जहाँ तक भी एनिमेट करना, तो उसको आपको क्या करना, बढ़ा देना है। सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पे इसको बढ़ाने के लिए सिंपल यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद में आपको बढ़ा देना, तो ये हमने यहाँ पे इसको नीचे बढ़ा दिया, कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे की लग गई, ठीक है। तो ये देखो, तो ये इस तरीके से यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे पूरा दिखा देता हूँ, तो ये देखो एनिमेशन कैसे हो रहा है, ये पूरा जा रहा है यहाँ पे और ये पूरा बढ़ते हुए जा रहा है। अब ये यहाँ पे जा रहा है, अब ये चीज़ यहाँ से बढ़ती हुई जा रही है। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है आप यहाँ पे बना सकते हो। अब जितने मर्जी उतने टेक्स्ट का आप एनिमेशन जो बना सकते हो, फिर कैमरा एनिमेशन वगैरह जैसे भी करना है, इसको रोटेट करना है, जैसे भी करना है, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल देनी है आपको, तो सिंपल आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यानी ये वाले शेप को, अब सिंपल यहाँ पे डाल देना है ड्रॉप शैडो। तो ये सिंपल आपने यहाँ पे ड्रॉप शैडो डाल दिया। तो ये देखिए, अब इसमें जो आप डिस्टेंस है वो आप रख लो यहाँ पे, जितनी भी आपको डेप्थ रखनी है वो रख लो आप यहाँ पे। तो ये देखो काफ़ी अच्छी डिटेल आ गई। तो सिंपल इसको कॉपी करो और इस शेप में भी आप डाल दो यहाँ पे। तो ये देखो काफ़ी अच्छा एनिमेशन आपको जो है यहाँ पे देखने मिल रहा है, साथ ही साथ में यहाँ पे डिटेल भी आपको काफ़ी अच्छी देखने मिल जा रही है यहाँ पे।
ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो आप। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का जो वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक में वीडियोस देखना चाहते हैं, हम उस टॉपिक में जल्द से जल्द जो है ट्यूटोरियल लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।